हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस लेसन में बात करने वाले हैं इंटेंसिफायर्स और मिटिगेटर्स के बारे में। अब ये क्या है, आपको डरने की जरूरत नहीं। ये कोई बॉम्ब या परमाणु बॉम्ब जैसा कुछ नहीं है। ये दोनों एक सिंपली वर्ड हैं जो एडजेक्टिव्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिफायर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। हम इस सेशन को शुरू करें, इस लेक्चर को शुरू करें, उससे पहले मैं आपको ब्रीफ बता दूँ। इंटेंसिफायर जो है किसी भी वर्ड को स्ट्रांग बनाता है, एडजेक्टिव को एक और पावर और एम्फेसाइज करता है। वो आगे आपको मैं डिटेल में बताने ही वाला हूँ। और जैसे कि बहुत ही कॉमन इंटेंसिफायर इंग्लिश में है रियली और वेरी। ठीक है, इसी तरह से मिटिगेटर्स जो है बिल्कुल अपोजिट है उसका। मिटिगेटर्स आपके किसी भी सेंटेंस या वर्ड को वीक बनाता है, जैसे कि रादर और फैडली। दोनों के बीच का जो साधारण फर्क यही है कि इंटेंसिफायर जो है वो स्ट्रांग बनाता है, मिटिगेटर्स जो है उसे थोड़ा वीक बनाता है। पर हम इसकी बहुत डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे जरूर इस सेशन में, और सारे कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इंटेंसिफायर से। मेरे पास पूरी लिस्ट है, हम सभी को तो नहीं देख पाएंगे बट बहुत से कॉमन को जरूर देखेंगे। शुरू करते हैं रियली से। दिस वीडियो इज रियली इंटरेस्टिंग। ओके, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इस सेंटेंस में इंटरेस्टिंग जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है आपके सेंटेंस को। आप जो रियली है, दिस वीडियो इज रियली इंटरेस्टिंग, आप रियली के बिना भी इस सेंटेंस को बोल तो सकते ही हैं, दिस वीडियो इज इंटरेस्टिंग। बट द मोमेंट जिस वक्त आप रियली इंटेंसिफायर को यूज करेंगे तो ये इसको और स्ट्रॉन्ग बताता है कि आपका इंटेंशन इसको और एम्फेसाइज कर रहे हैं आपके बहुत ही ज्यादा। हमें इस वीडियो को हमें ये पसंद आया। नेक्स्ट है वेरी। आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न इंग्लिश। आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न इंग्लिश। एडजेक्टिव यहाँ पे हैप्पी है, ठीक है। वेरी यहाँ पे इंटेंसिफायर का काम कर रहा है और मजबूत बना रहा है आपको। इसे आसानी से समझने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी इंटेंसिफायर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपको अपने दिमाग में उसे इमेजिन करना है, उसे हटा के। आई एम हैप्पी टू लर्न इंग्लिश। अब आप इंटेंसिफायर को लगा के देखिए, आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न इंग्लिश। आपको तुरंत समझ में आएगा इंटेंसिफायर कितना इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एब्सोल्युटली योर न्यू ड्रेस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगेन एब्सोल्युटली यहाँ पे इंटेंसिफायर है। एक्सट्रीमली इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड आउटसाइड। एक्सट्रीमली यहाँ पर इंटेंसिफायर है। नेक्स्ट इनक्रेडिबली योर सन इज इनक्रेडिबली स्मार्ट। इनक्रेडिबली मतलब इस सेंटेंस में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। Completely, your my wallet is completely empty. My wallet is completely empty. Next, unusually, the classroom was unusually quiet. The classroom was unusually quiet. बहुत ही असाधारण तरीके से शांत था। सिर्फ शांत नहीं था, बहुत ही असाधारण तरीके से शांत था। इस intensifier का इस्तेमाल इस तरह से हो। He isn't old enough to drive. He isn't old enough to drive. अब देखिए यहाँ पे इनफ जो है इंटेंसिफायर है, बट ये जो लास्ट सेंटेंस है ये इंटेंसिफायर यहाँ पे इनफ है क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। जैसे आप जैसे कि आपने सुना इनफ हमेशा जो है एडजेक्टिव के बाद आता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। अब हम देखेंगे इंटेंसिफायर प्लस कंपैरेटिव को, जो ये दोनों कॉमनली साथ में बहुत यूज होते हैं। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। मच, He runs much faster than me. Faster जो है comparative form है adjective fast का। Fast, faster, ठीक है, इस तरह से एक comparative form हुआ और ये intensify कर रहा है comparison को। Much faster than me, ठीक है, तो यहां पे इस तरह से intensifier और comparative को मिला के use हुआ है। Next है a lot. This red bag is a lot heavier than this white bag, ठीक है। हैवियर जो है कंपैरेटिव फॉर्म हुआ हैवी का। अब आपको समझ में आ रहा हैवियर, हैवी का कंपैरेटिव फॉर्म हुआ और मजबूत बनाने के लिए, और अलॉट उसमें और जो है ताकत डाल देता है सेंटेंस में और मजबूत के। अलॉट हैवियर, बहुत ज्यादा भारी है वाइट बैग से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फार। शी इज फार टॉलर देन मी। शी इज फार टॉलर देन मी। टॉलर अगेन टॉल का कंपैरेटिव फॉर्म है, हमने उसे और पावरफुल बनाने के लिए फार मतलब बहुत ही ज्यादा, जैसे कि कोई 5 फीट है तो वो 6 फीट, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हो गया इंटेंसिफायर प्लस सुपरलेटिव, देखते हैं। इजीली, दिस इज इजीली द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन।
द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन. बेस्ट इज सुपरली फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गुड, गुड बेस्ट, ठीक है. और हम बनाते हैं उसे ओवर पावरफुल ईजीली बोल के, बहुत ही आसान तरीके से कह सकते हैं कि ये बेस्ट रेस्टोरेंट है इस सिटी का. नेक्स्ट है बाय फार. सारा इज द बाय फार द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास. बाय फार यहाँ पे इंटेंसिफायर, ठीक है. अब हम मिटिगेटर्स की तरफ बढ़ेंगे जो आपके सेंटेंस को वीक यानी कि कमजोर बनाएगा, ठीक है. जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल ऑपोजिट होने वाला है, तो आपको समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए. हम शुरू करते हैं फेयरली से. इट्स अ फेयरली सनी टुडे, ठीक है. फेयरली सनी टुडे. अब यहाँ पे एडजेक्टिव तो सनी है, ठीक है, बट ये मिटिगेटर जो फेयरली है इस पर्टिकुलर फुल सेंटेंस को थोड़ा वीक बनाता है कि ये सनी जैसा माहौल नहीं है, थोड़ा सा कम है सनी से, ठीक है. अनदर मिटिगेटर हम देख सकते हैं रादर. आई एम रादर टायर्ड. नॉट एग्जैक्टली फुल टायर्ड है बट थोड़े से कम. रादर का इस्तेमाल ये हुआ, थोड़े से कम, तो ये और थोड़ा सा लेस पावरफुल बनाता है. अनदर एग्जाम्पल अपने पास है प्रिटी. इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव, ठीक है. अब इसका मतलब ये हो कि पूरी तरह से तो एक्सपेंसिव नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है. इसी तरह से क्वाइट. द मूवी वॉज क्वाइट गुड. द मूवी वॉज क्वाइट गुड, ठीक है, अच्छी थी मूवी. इस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल हुआ. जिस तरह इंटेंसिफायर और कंपैरेटिव हमने देखा, इस तरह से मिटिगेटर्स और कंपैरेटिव इनका भी इस्तेमाल होता है. जैसे कि अ बिट, ही इज अ बिट फास्टर देन मी. जब आप ऐसा कहेंगे ही इज अ बिट फास्टर देन मी, तो ये थोड़ा सा लेस पावरफुल हो जाता है देन ही इज फास्टर देन मी, ठीक है. जब आप ऐसा कहते हैं ही इज फास्टर देन मी, उससे ये थोड़ा कम यू नो पावरफुल होता है, मतलब वीक हो जाता है, जैसे आपने अ बिट का इस्तेमाल किया. तो इसीलिए ये जो है बिट अ बिट मिटिगेटर है. अब रादर दिस ड्रेस इज रादर नाइस देन दैट ड्रेस, ठीक है. यहाँ पे ड्रेस की बात हो रही है. अगेन ये उस इस ड्रेस को उस ड्रेस से थोड़ा वीक बताने की कोशिश की जा रही है. एंड फाइनली स्लाइटली. माई कार इज स्लाइटली ओल्डर देन योर कार. ज्यादा नहीं, थोड़ी पुरानी है कार, ठीक है. नेक्स्ट अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं. मैं चाहता हूँ कि आपको ये जो इंटेंसिफायर्स और मिटिगेटर्स हैं इनकी क्लियर समझ हो, इसलिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगा. आपको गेस करना है. पहले तो एडजेक्टिव ढूंढ लीजिए आप, बहुत आसान है वो. फिर आपको गेस करना है कि उसमें इंटेंसिफायर है या मिटिगेटर, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. नाउ व्हाट इज द एडजेक्टिव गाइस इन दिस सेंटेंस, बताइए. इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत आसान है उसे ढूंढना. इंटरेस्टिंग जो है एडजेक्टिव है, बट वेरी का क्या करेंगे, क्या ये इंटेंसिफायर है या मिटिगेटर? तो ये है इंटेंसिफायर, जैसा कि अभी हमने सीखा है. ये क्या कर रहा है, ओवर पावर दे रहा है आपके पूरे सेंटेंस को. इंटरेस्टिंग गेम, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है. नेक्स्ट है शी कुक्स फेयरली गुड पास्ता. शी कुक्स फेयरली गुड पास्ता. अब आप बताइए इसमें एडजेक्टिव क्या है. ऑफकोर्स गुड इज एन एडजेक्टिव हियर. आई एम श्योर आपको अब समझ में आ गया होगा, बट फेयरली क्या है, इज इट एन इंटेंसिफायर और मिटिगेटर? इट इज मिटिगेटर गाइस. आई होप आपने सही गेस किया होगा. तो ये सेंटेंस को वीक बनाने की यहां पे लिए इस्तेमाल हुआ. नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज अ बिट यंगर देन आई एम. शी इज अ बिट यंगर देन आई एम. एडजेक्टिव यहां पर है जो है कंपेरेटिव एडजेक्टिव है यंगर, यहां पर यूज किया गया यंग का. एंड अ बिट जैसा अभी हमने रिसेंटली देखा, वो एक मिटिगेटर है जो पूरे सेंटेंस को वीक करता है. माई डॉग इज मच फैटर देन माई कैट. माई डॉग इज मच फैटर देन माई कैट. अगेन ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है फैटर, एंड जो मच है यहाँ पर वो एक इंटेंसिफायर है. करेक्ट गाइस, ये इंटेंसिफायर है. इट्स मच फैटर देन माई कैट. तो आई होप गाइस आपको ये इंटेंसिफायर्स और मिटिगेटर्स की समझ आप काफ़ी क्लियर हो गई होगी. दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करें. और दोस्तों आप सेशन के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी या फीडबैक हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.